बसंत पांडे ने टॉपर मुक्तराव से खास बातचीत की है, सुनिए। आरएस 2018 का परिणाम कल देर रात जारी हो गया, जिसमें राजस्थान की झुंझुनू की मुक्ता राव ने पहला स्थान प्राप्त किया। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मुक्ता राव मौजूद है। मैम, सबसे पहले इंडिया न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। मैम, किस तरह तैयारियां की गई थी आपकी तरफ से? सर, मैंने 2016 में जब परीक्षा की तैयारी शुरू की थी तो मुझे ये मालूम नहीं था कि कौन सी बुक्स को रेफर किया जाए। सिर्फ सिलेबस डाउनलोड किया, जो जहाँ से जैसा सोर्स मिल गया। लेकिन 2018 की तैयारी के लिए मैंने अपनी सारी कमियों पे काम करने की कोशिश की। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मेरे स्कोर कम आया है या मैं अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई या मेरी नॉलेज कम थी, उनको मैंने स्टैंडर्ड बुक से रेफर किया। और जहाँ मैं पहले सिर्फ 2-2.5 घंटे प्रतिदिन का टाइम असाइन दे पा रही थी, इस बार मैंने 4-5 घंटे प्रतिदिन का टाइम दिया इस परीक्षा को। सर, मैम 14 साल शादी के साथ साथ परिवार को भी संभालना, अपनी तैयारी भी करना, किस तरह किया गया? सर, शादी के शुरुआती कुछ महीनों में नए परिवार में एडजस्ट होने में ऑफकोर्स थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे साल बीते वैसे वैसे बॉन्डिंग बहुत बढ़ती चली गई, प्यार बहुत ज़्यादा मिलता चला गया। और मेरे पेरेंट इन लॉज ने मुझे कभी बहू नहीं, हमेशा बेटी की तरह प्यार दिया। उनका मार्गदर्शन रहा। पिताजी ने कहा कि मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि मेरे घर से भी कोई आरएएस हो, और बेटा तुम में वो काबिलियत, तुम कर सकती हो, तुम मेरा नाक ऊँचा कर सकती हो। सर, मैं आपको कहना चाहूँगी, कल रात को जब मेरा रिजल्ट आया, मैंने पापा जी को फ़ोन किया तो ही वॉज ऑन cloud 9। वो 84 साल के हैं, मुझे कहते हैं तुमने मेरी उम्र 10 साल और बढ़ा दी। किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ा गौरवान्वित होने वाला दिन होता है। सर, राजस्थान का नाम रोशन किया है, एक महिला ने आरएस टॉप किया है, लेकिन आज भी राजस्थान में ऐसी जगह है जहां महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया था, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर, मैं ऐसी सारी महिलाओं को सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले ये यकीन कीजिए कि आप सेकेंडरी सिटीजन नहीं हैं। क्योंकि महिला खुद सोच लेती है कि जो उसके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है वो तो ऑब्वियस है, तो उसको ऑब्वियस समझने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि पुरुष प्रधान समाज है लेकिन सोच बदल रही है, तो ऐसे लोग जिन्होंने सोच को बदल के आगे काम किया है उनको हमें उदाहरण के रूप में सामने लाना चाहिए। और ये एक ऐसा चेंज है जो सरकार ये करने से नहीं आएगा। तो सोसाइटी हैज टू स्टैंड फॉर इटसेल्फ। तो मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की सोच के साथ काम करेंगे, प्रबुद्धजनों को सामने लेकर के आएंगे और एग्जाम्पल्स को सामने लेकर के आएंगे, तो सोच में परिवर्तन आएगा और व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। सर, एक सफलता के पीछे आखिर कोई ना कोई तो होता, आपके पीछे कौन रहा? सर, एक व्यक्ति की सफलता उसकी खुद की नहीं, उसके परिवार की, उसका अच्छा चाहने वालों की, उसके मित्रजनों की, उसके गुरुजनों की, उसके संस्थान जहाँ पे वो पढ़े हैं, उन सब की सफलता होती है। इनफैक्ट मैं उन सबका सहयोग भी मानती हूँ जिन्होंने मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो सारे ड्राइवर्स जिन्होंने मेरे लिए गाड़ी चलाई हो, वो सारे डोमेस्टिक वर्कर्स जिन्होंने मेरे को घर में भी सहायता दी है, मेरी सोसाइटी के गार्ड्स भी, सबका सहयोग है। और ये सफलता सभी की है। सर, बिल्कुल, देखिए सफलता सभी की है। मुक्ता जी के हस्बैंड भी हमारे साथ हैं। सर, घर के साथ साथ अपनी पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई मैनेज करना, और आप खुद भी किस तरह मोटिवेट कर रहे थे? सर देखो, ये आईटी इंडस्ट्री में थी, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब जब इसने, मेरा बेटा छोटा था तो जब जॉब स्किप किए इसने, तो उस बच्चे की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी थी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बच्चे के लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रही है, मैं ऑफिस चला जाता हूँ, सारे काम करनी है, मेरा भी करना, अपना भी करना, फिर अपने लिए कुछ टाइम निकालती थी। और इसने कंटिन्यूसली 3 ईयर्स कंटिन्यूसली एफर्ट्स करके आज ये दिन जो टॉप किया है इसने, ये बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए नहीं, सभी मेरे परिवार के लिए और सोसाइटी के लिए भी खुशी की बात है कि इसने बाई बोर्न ये टैलेंटेड थी, ठीक है। तो मुझे लग रहा कि ये वो करेगी, ये सिविल सर्विसेज में जरूर 100% क्रैक करेगी। इनसे 2016 में अटेम्प्ट किया, अच्छी रैंक नहीं मिली, तो मैंने कहा फिर से प्रयास करो तुम, डजेंट मैटर। इसने कहा मैं इस एज में 40 इयर्स की हो गई, कैसे करूं? मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है इसमें, मैं तो टीचर हूं, एक प्रोफेसर हूं मणिपाल यूनिवर्सिटी में, कि जब मैं तो रोज़ लर्न करता हूं, ठीक है, तो ये भी कर सकती है। तो इसने रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मैं ये देखता था, खाना बनाती थी तब अपना वीडियो, अपना ऑडियो, जैसे हिंदी के कुछ भी मुहावरे वगैरह होती हैं और उसमें रिकॉर्डिंग करके वो सुनती थी, ठीक है। मैं देखता, मैंने कहा ये टेक्नोलॉजी का कितना अच्छी तरह वो कर रही है, खाना बनाना साथ में चपाती से करी है और उधर वो बना रही है। तो देखो सर, वो तो ये तो रिजल्ट तो अच्छा आना ही था, क्योंकि इसकी एफर्ट्स, इतने बहुत एफर्ट्स किए, और मेरी तो ये बैकबोन है, ठीक है। ये शुरू से ही मैं कह रहा हूँ, जब मैंने PhD किया, हम 2003 से साथ में हैं, 2007 में हमने शादी की, ठीक है, उसके बाद में मैंने PhD करी, तो ये मेरी बैकबोन थी। अब टाइम था इसका, मैंने कहा अपने आप को प्रूव करो, और सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं कि अच्छी सैलरी मिलती थी सब कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, लेकिन बच्चे की फाउंडेशन, मदर फादर को देखना और मुझे देखना, ये अपने आप में एक फुल टाइम जॉब था, और साथ में पढ़ाई भी करना, ठीक है।
तो जितने भी घर के अंदर महिलाएं हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब जागो तभी सवेरा, आप कर सकते हो जो मुक्ता ने करके दिखाया आज। बिल्कुल, राजस्थान में एक बड़ी मिसाल पेश की है कि अगर लक्ष्य बना लिया जाए तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, और ये साबित भी कर दिखाया है झुंझुनू की मुक्ता राव ने। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज़, जयपुर।